पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देश की निगाहें जब एनडीए की बैठक पर टिकी थीं, तब संभल में बेखौफ बदमाश घी तेल के व्यापारी को सरेशाम लूट रहे थे। दो बाइकों पर सवार चार पांच बदमाशों ने सरेशाम व्यापारी से तमंचे की नोक पर 2.5 लाख रुपए लूट लिए। पूरा मामला संभल जनपद के गुन्नौर थाना क्षेत्र में एनएच रोड पर गांव सेंजदा के पास का है। शाम करीब 6 बजे बबराला का घी तेल का थोक व्यापारी सोहन पाल जूनाबाई से तकादा उगाह कर बाइक से घर लौट रहा था। थाने से करीब 6 किलोमीटर दूर बाइक पर सवार चार पांच बदमाशों ने उसकी बाइक रोकी और तमंचों की नोक पर उसे गिरा लिया और जेब में रखे सभी रुपए लूट लिए। बाजार में तगादा लेना है, फिर क्या हुआ? रास्ते में दो मोटरसाइकिल वालों ने, चार पांच लोग थे, उन्होंने मुझे रोक लिया। और क्या किया? लूट लिया, तमंचे थे उन्होंने। कितने लोग थे? चार पांच लोग थे। फिर क्या किया उन्होंने? तमंचे थे ना, तमंचने का मुझे गिरा लिया और मेरी पेंट खोल के और मोटरसाइकिल डिग्री में से बैग ले गए, मेरी जेब में से रुपये लेना। ये आज शाम को सूचना मिली पुलिस को कि करीब 5, 5:30 और 6 के बीच में सैजना के पास एक बबराला की व्यवसायी थे सोहन लाल गुप्ता, जो अपना इनका यहाँ थोक की दुकान है, आटा सूजी मैदा तेल का। ये अपने छोटे दुकानदारों को माल सप्लाई करते हैं, जो प्रतिदिन प्रति शनिवार को अपनी वसूली करते हैं। तो यही वो अपना वो वसूली हफ्ता वसूली करके ये अपने घर को वापस जा रहे थे। तो सैजना के पास, सैजना बाजार से आगे गांव से निकलते ही दो मोटरसाइकिल चार सवार लोगों ने घेर लिया और घेरने के बाद इनको गिरा दिया। और गिराने के बाद इनके पॉकेट में जो एक अलग से पैंट में पॉकेट बनवाए थे उसमें हाथ डाल के खोल के निकाल लिया और एक बैग था जिसमें कुछ पैसा था, उसको भी लेके भाग गए। तो इनसे जब पीड़ित से पूछा गया तो उन्होंने लगभग अभी उनका भी दिमाग अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि पैसा गया तो 2,10,000 रुपये के लगभग बता रहा है।